फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा इंस्ट्रक्शन है आपके लिए, बेस्ट टेक्स्ट बुक और टेस्ट सीरीज फॉर एसएससी जेई और गेट के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक डाला हुआ है, थैंक यू सो मच। और चलिए अब हम लोग अपना वीडियो कंटिन्यू करते हैं। आइए इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इक्विवेलेंट पाइप, क्या इक्विवेलेंट पाइप होता क्या चीज है, और जब हम उसको सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो सीरीज में कनेक्ट करने के बाद उसमें ओवरऑल हेड लॉसेस कितना दिखेगा। तो सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि इक्विवेलेंट पाइप का मतलब क्या होता है। देखिए जो हमारा इक्विवेलेंट पाइप है, कुल मिला के देखिए सपोज होता क्या चीज है कि मान लीजिए कहीं पर आपका, अगर मान लीजिए आप किसी प्लेस पे गए और वहां पर मान लीजिए कि तीन डिफरेंट सेक्शन के पाइप लगे हुए हैं, मतलब ये आपको देख रहे हैं तीन आपका डिफरेंट डाया का पाइप लगा हुआ है। आपको ये बोला जा रहा है कि भैया हमारे पास क्या हो सकता है, कुछ स्पेस का क्राइटेरिया हो कि स्पेस हमारे पास वैसा अवेलेबल ना हो, या हो सकता है कि मेरे पास एक सिंगल पाइप ही लगाने का ऑप्शन हो। तो इक्विवेलेंट पाइप का मतलब ये है कि ये जो हमारे पास तीन डिफरेंट डाया का और साइज का जो पाइप लगा हुआ है, इसको मैं रिप्लेस करूं और रिप्लेस करने के बाद एक सिंगल पाइप में इस तरीके से कन्वर्ट करूं कि इसके अंदर का जो डिस्चार्ज है वो हमको क्या मिले, सेम मिले। अब देखिए डेफिनेशन पढ़िए, इट इज डिफाइंड एज अ पाइप ऑफ यूनिफॉर्म डाया हैविंग लॉस ऑफ हेड एंड डिस्चार्ज। ये हमारा पाइप ऑफ यूनिफॉर्म डाया बन गया, हैविंग क्या बोल रहा हुआ है, हेड और डिस्चार्ज, मतलब ये जो आप देखोगे तो दिस इज द हेड एंड डिस्चार्ज, ये दोनों आपके क्या होना चाहिए, इक्वल टू डेट ऑफ द सीरीज और कंपाउंड। ध्यान रखिएगा ये कंपाउंड पे लोग कंफ्यूज होते हैं, कंपाउंड हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन को ही बोला जाता है। तो सीरीज और कंपाउंड पाइप कंसिस्टिंग ऑफ पाइप ऑफ डिफरेंट डाया एंड लेंथ, क्लियर है, मतलब ये जो अलग अलग हमारे पास डाया और लेंथ की जो पाइप है इसको हमको रिप्लेस करके एक सिंगल पाइप बनाना है जिसका एक यूनिफॉर्म डाया और एक प्रॉपर आपका क्या हो, हेड लॉस हो, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग इसका एक एक्सप्रेशन निकालेंगे, उस एक्सप्रेशन में हमारा क्या रिजल्ट निकल कर आएगा कि अगर हमारे पास अलग अलग क्या है साइज का अगर पाइप हो, मतलब डाया और लेंथ अलग अलग हो, तो उसको हम लोग क्या कैलकुलेशन से एक सिंगल पाइप में कन्वर्ट कर सकते हैं। और ये बेसिकली आपका डुपिट्स ने दिया था, दैट्स व्हाई दिस इक्वेशन इज ऑल्सो कॉल्ड डुपिट्स इक्वेशन, ओके। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और हम लोग देखते हैं यहाँ पर, सबसे पहले देखिए अगर हम लोग बात करें तो देखिए हमारा क्या हेड लॉस आपका जो है सेम होना चाहिए। तो चलिए मैं एक प्रॉपर डायग्राम के थ्रू आगे बढ़ता हूँ, आई थिंक ये ज्यादा बेटर रहेगा। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, एक डायग्राम हमने ले लिया है और ये हमारे पास कुछ इस तरीके का है। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो ये मान लीजिए कि सपोज सेक्शन को लेके अगर हम लोग बात करें तो ये हमारे पास सेक्शन मान लीजिए सेक्शन 1-1 है, ये हमारे पास जो सेक्शन है दिस इज द सेक्शन 2-2, और ये जो हमारे पास सेक्शन है ये सेक्शन हमारे पास क्या है 3-3। हमको क्या करना है, इसको इक्विवेलेंट पाइप में कन्वर्ट करना है। इक्विवेलेंट पाइप में कन्वर्ट करने का मतलब एक हमारे पास प्रॉपर यूनिफॉर्म डाया होना चाहिए और इसका डिस्चार्ज भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो ये जो हमारे पास इक्विवेलेंट पाइप आई है, ये जो हमारे पास अगर आप देखोगे दिस इज द इक्विवेलेंट पाइप, तो इक्विवेलेंट पाइप में अगर मैं इसका डाया को कंसिडर करूंगा तो डाया ऑफ क्या लिखूंगा, दिस इज द इक्विवेलेंट डाया, और इसका जो हेड लॉस है और जैसे लेंथ की अगर बात करूं तो ये आपका लेंथ भी क्या होगा, एडजस्ट होगा। तो यहाँ पर जो हम लोग लेंथ को कंसिडर कर लेते हैं डेट इज द इक्विवेलेंट लेंथ, मतलब ये जो आपको लेंथ आपको दिख रहा है ये लेंथ आपको कैसा दिखेगा, दिस इज द इक्विवेलेंट लेंथ, क्लियर। तो अब देखिए अगर हम लोग इसके अंदर बात करें तो हमको क्या क्या चीजें दिखेंगी, ये हमारे पास डिफरेंट सेक्शन का डाया है, ठीक है। तो ये मान लीजिए हमारा D1 है, मतलब ये मान लीजिए कि इस पोर्शन में डाया हम लोग D1 ले लेते हैं, वेलोसिटी हम लोग क्या ले लेते हैं V1, और इसका लेंथ हम लोग क्या ले लेते हैं L1। इसी तरीके से इसमें आप देखोगे तो डाया हम लोग D2 ले लेते हैं, वेलोसिटी V2 ले लेते हैं, और लेंथ इसका L2 ले लेते हैं। यहाँ पर आप देखोगे तो डाया D3 ले लेते हैं हम लोग, वेलोसिटी को हम लोग क्या ले लेते हैं V3 ले लेते हैं, और लेंथ को हम लोग क्या ले लेते हैं L3 ले लेते हैं। तो ये जो अभी है और इसको हमको कंबाइन करके चेंज करना है, तो सबसे पहले जो डिफरेंट सेक्शन है इसमें अगर आप आएंगे तो टोटल अगर इसमें बोला जाए हेड लॉस कितना होगा, ठीक है, टोटल हेड लॉस, ठीक है। तो टोटल हेड लॉस तो यहां पर हम लोग लिख लेते हैं HOF, तो HOF इक्वल टू आपको क्या दिखेगा HF1 इसमें, प्लस आपको क्या दिखेगा दिस इज द HF2, प्लस ये आपको दिखेगा दिस इज इक्वल टू HF3। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे HF तो HF इक्वल टू आपको HF1 आपको क्या दिखेगा दिस इज FL, क्या हो जाएगा V1 का, देखो L1 है V1 का स्क्वायर डिवाइड बाई आपको क्या मिलेगा
2g ऑफ d1 यही मिलेगा, प्लस यहाँ पे आप बात करिए f, f इज द क्या है, f फ्रिक्शन फैक्टर है जो आपका क्या है सभी जगह सेम रखा गया है। ध्यान रखिएगा ये इस कंडीशन पे हम लोग का जो f डैश है, ये f डैश हमेशा हम लोग क्या मान के चल रहे हैं, सेम सेम इन ऑल पाइप्स, ठीक है, ये जो आपको f डैश है सेम इन ऑल पाइप्स। तो ये f l1 v1 स्क्वायर अपॉन 2g d1, यहां पे बात करोगे तो f l2 v2 का स्क्वायर डिवाइड बाय आपको क्या मिलेगा 2g d2, क्लियर 2g d2 प्लस इस पे अगर हम लोग बात करेंगे तो ये आपको मिलेगा f l3 v3 का स्क्वायर डिवाइड बाय ये आपको क्या मिलेगा 2g d3, यही तो मिलेगा। तो ये जो हमारे पास कंडीशन आया वही आपको क्लियर है। तो ये आपके पास ये अलग अलग लेंथ वालों सिटी और डाया है, तो एक फर्स्ट और सेकंड और थर्ड पाइप का मिला हुआ है। अब अगर मैं मान लीजिए इसको डिस्चार्ज के फॉर्म में देखिए, यहाँ पर बेसिकली क्या बात कर रहा है, हेड और डिस्चार्ज को लेके बात कर रहा है। तो डिस्चार्ज को लेके अगर बात कर रहा है तो मुझे इस चीज को डिस्चार्ज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। डिस्चार्ज में कैसा कन्वर्ट हो सकता है, देखिए क्यू इक्वल टू हम लोग क्या लिखते हैं, एरिया इंटू वेलोसिटी। एरिया की वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं क्या, दिस इज द पाई बाय 4 डी स्क्वायर, यही तो एरिया है। और वेलोसिटी की बात करेंगे तो हमने वी लिख दिया। तो यहाँ पे अगर मैं वेलोसिटी निकालना चाहूँ वी, तो वी इक्वल टू हमको क्या मिल जाएगा यहाँ पर, क्यू डिवाइड बाय ये आपको मिलेगा क्या, पाई बाय 4 डी स्क्वायर, यही तो मिलेगा पाई बाय 4 डी का स्क्वायर, यही तो हमको क्या मिलेगा, वेलोसिटी मिलेगा। तो बस इसी चीज को जो क्यू अपॉन पाई बाई फोर डी स्क्वायर जो आया हुआ, इसी चीज को उठा के हम लोग रखेंगे कहां पर, ये अलग अलग कंडीशन पे। तो यहाँ पे अगर हम लोग रखें तो देखिए हमको क्या दिखेगा, यहाँ पर रखते हैं यहाँ पर, तो ये जो हमारे पास एच एफ, तो एच एफ इक्वल टू अगर आप देखेंगे तो एच एफ इक्वल टू हम लोग रख सकते हैं क्या, एफ एल वन, ये आपका एफ एल वन, ठीक है। और डी वन बी वन का स्क्वायर तो रखने वाले हैं, डिवाइड बाई टू जी डी वन है, तो ये हमने रख दिया 2g d1, क्लियर। और ये हम लोग रख सकते हैं क्या, इसको हम लोग रखेंगे q डिवाइड बाई पाई बाई 4, और ये हमारे पास क्या आएगा d का स्क्वायर, तो ये हमारे पास आ जाएगा d का स्क्वायर प्लस ये आपको आएगा f, ठीक है, l2 डिवाइड बाई ये हमको क्या मिलेगा 2g ऑफ d2, क्लियर। और यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे तो q डिवाइड बाई पाई बाई 4, और ये आपको आएगा क्या d का स्क्वायर। तो अच्छा ये देखिए, ये जो आपका डिस्चार्ज है क्यू, तो वो तो आपको सेम है सभी जगह, d1 आपका चेंजेस है, तो यहाँ पर हम लोग d1, अच्छा ये जो आप कैपिटल d लिख रहे हो तो यहाँ भी हम लोग कैपिटल d लिखते हैं d1 का स्क्वायर, यहाँ भी हम लोग कैपिटल d लिखते हैं दैट इज d2 का स्क्वायर, प्लस उसी तरीके से देखोगे तो ये आपको मिलेगा f, ये आपको मिलेगा एल थ्री डिवाइड बाई टू जी इन टू डी थ्री, और ये अगर आप देखोगे तो आपको क्या मिलेगा, दिस इज इक्वल टू क्यू डिवाइड बाई पाई बाई 4 डी 3 का स्क्वायर, यही तो मिलेगा। अब देखो इसमें जो जो टर्म्स कॉमन आ सकता है उसको हम लोग कॉमन ले लेते हैं। क्या बोल रहा हूँ, एच एफ इक्वल टू ये आप बोल रहा हूँ, एफ कॉमन ले लो, एफ आपका सभी जगह कॉमन है, डिवाइड बाई 2g ये भी आपका कॉमन है, और क्या है आपका क्यू डिवाइड बाई पाई बाई 4 ये आपका कॉमन है। अब बताओ यहाँ पर क्या क्या बचा हुआ है, जो जो बचा हुआ है उस चीज को हम लोग लिख लेते हैं। तो f डिवाइड बाई 2g, q डिवाइड बाई पाई बाई 4, तो यहाँ पर क्या क्या बचा है ये आपको देखिए, ये आपको बच गया l1 डिवाइड बाई ये देखो, अच्छा fl ये आपका v का स्क्वायर जा रहा है, देखो यहाँ बात करेंगे तो ये आपका v का स्क्वायर है, v का स्क्वायर है, तो ये आपका पूरा का पूरा क्या जाएगा, स्क्वायर जाएगा। तो यहाँ पर आप देखोगे तो q बाई पाई बाई 4 का स्क्वायर तो है, और यहाँ पर l अपॉन d1 की पावर 4, और एक ही d1 कितना हो गया, d1 की पावर 5 यही हुआ, प्लस f 2g ये सब आपका बाहर आ गया, q अपॉन पाई बाई 4 भी बाहर आ गया है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं l2 अपॉन d2 की पावर 5, प्लस इसमें अगर हम लोग बात करेंगे तो ये हम लोग लिख सकते हैं क्या, l3 अपॉन d3 की पावर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5 लिख सकते हैं। कहानी क्लियर है यहाँ तक, क्लियर। अब देखिए ये जो हमने बात किया हुआ है, ये हमारा क्या है, ये जो हमारे पास अलग अलग पाइप का जो कॉम्बिनेशन था उसका आया हुआ है, और अगर मैं इक्विवेलेंट जो पाइप है उसके लिए बात करूं तो क्या हो जाएगा, फॉर इक्विवेलेंट पाइप, फॉर इक्विवेलेंट पाइप। तो इक्विवेलेंट पाइप के लिए अगर मैं हेड लॉस निकालना चाहूं ड्यू टू फ्रिक्शन,
मतलब यहाँ पर मैं एच एफ निकालना चाहता हूँ इसी पाइप के लिए, तो हमारे पास क्या फॉर्मूला बैठेगा, पहला चीज एफ, एफ आपका कॉन्स्टेंट है दोनों के लिए, तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, एफ लिख दिया, क्लियर। एफ के बाद एल, एल हमारा क्या होगा, इक्विवेलेंट होगा, तो एल ऑफ इक्विवेलेंट एफ एल डी वी का स्क्वायर, वी के जगह आप क्या लिखोगे यहाँ पर, देखिए अब यहाँ पर जो हम लोग वेलोसिटी को लेके बात कर रहे हैं, इसका कहीं ना कहीं जो हमारा मीन वेलोसिटी यहाँ कंसिडर होगा, तो यहाँ पर अभी मान लीजिए वी भी मैं इक्विवेलेंट वेलोसिटी का कंसिडर कर ले रहा हूँ, तो वी एल क्यू का स्क्वायर, क्योंकि वेलोसिटी क्या है कहीं ना कहीं वेरी करेगी क्योंकि डाया वेरी कर रहा है तो। और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट लिखेंगे 2g, तो 2g d ऑफ इक्विवेलेंट, क्लियर यहां तक। अब सुनिए ये जो हमारा v इक्विवेलेंट है इसको हम लोग क्या है q के फॉर्मेट में ले आते हैं, क्योंकि q आपका क्या रहेगा, सेम रहेगा, तो q के फॉर्मेट में लाएंगे तो आपको क्या मिलेगा यहां पर, इस चीज को सिंप्लीफाई करने के लिए q इक्वल टू अगेन देखोगे तो एरिया इनटू वेलोसिटी है, मुझे यहाँ पर v निकालना है, डेट इज q बाई a, एरिया आपका अगेन क्या मिलेगा, पाई बाई फोर डी का स्क्वायर, ठीक है। तो d आपका क्या है, d इक्विवेलेंट आएगा, तो यहाँ पर v ऑफ इक्विवेलेंट की वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं क्या, q डिवाइड बाई पाई बाई फोर डी ऑफ इक्विवेलेंट का स्क्वायर, यही आएगा। इस चीज को उठा के यहाँ पे रखिए, तो रखेंगे तो आपको क्या दिखेगा, एच एफ, तो एच एफ इक्वल टू आपको मिलेगा f, क्लियर। उसके बाद आपको क्या मिलेगा, l इक्विवेलेंट, तो L इक्विवेलेंट का मतलब आपको दिख गया ये, प्लस B इक्विवेलेंट मतलब ये Q का स्क्वायर, तो यहाँ पर हमने लिख दिया Q का स्क्वायर डिवाइड बाई पाई बाई फोर, और D का ये पूरा का आपका देखो स्क्वायर है, तो V का स्क्वायर को मैं यहीं पर लिख देता हूँ, देखो Q डिवाइड बाई पाई बाई फोर D ऑफ इक्विवेलेंट का स्क्वायर, यही तो है पाई बाई फोर D का स्क्वायर और ये पूरे का होल स्क्वायर, और यहाँ पे आपको क्या आ जाएगा 2g, ठीक है। और d इक्विवेलेंट भी है आपके पास, तो यहां पर हमने लिख दिया 2g d ऑफ इक्विवेलेंट, क्लियर। तो फाइनली अगर आप देखोगे तो अब आप यहां से कुछ सिंपलीफाई कर पा रहे हो क्या, यहां से hf इक्वल टू अगर आप देखोगे तो आपको क्या दिखेगा, ये आपको दिखेगा f, ठीक है, डिवाइड बाय 2g, क्लियर। यहां से देखो ये आपको दिखेगा q का स्क्वायर डिवाइड बाय पाई बाय 4, तो पाई बाई फोर, तो क्यू बाई पाई बाई फोर, ये पूरे का हमने कर दिया होल स्क्वायर। तो अब आपके पास क्या क्या बचा है यहाँ पे, ये आपको बचा एल ऑफ इक्विवेलेंट डिवाइड बाई, ये क्या आपको मिला है, डी ऑफ इक्विवेलेंट, यही तो मिला। और डी ऑफ इक्विवेलेंट की पावर क्या है आपके पास, फाइव है, ठीक है, ये दो दो चार और एक आपका पांच, तो पावर आपके कितने हो गए, फाइव हो गए। तो यहां से देखिए ये एच एफ, तो इसको मान लीजिए मैं इक्वेशन वन दे देता हूँ, जो कि अलग अलग पाइप के लिए है, और इक्विवेलेंट पाइप के लिए एक आपका निकल कर आया, दिस इज द इक्वेशन टू, ठीक है। तो इक्वेशन वन और टू से अगर हम लोग बात करें तो क्या निकल कर आ जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू, तो फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू में अगर आप देखिए तो आपको क्या चीजें दिखेंगी यहाँ पर, ये एच एफ वाला सेम है, तो एच एफ की वैल्यू उठा के ये रख देते हैं, तो फाइनली आप देखिए वैल्यू रखेंगे तो क्या मिलेगा आपको, ये आप देखो एफ अपॉन टू जी, ये वाला वैल्यू उठा के यहाँ रख रहा हूँ, एफ अपॉन टू जी, यही तो है, इंटू क्यू अपॉन पाई बाई फोर, यही है, और क्यू अपॉन पाई बाई फोर का स्क्वायर हो जाएगा, इंटू ये आपको मिलेगा एल ऑफ इक्विवेलेंट डिवाइड बाई डी ऑफ इक्विवेलेंट की पावर आपको क्या दिखेगा, फाइव दिखेगा, क्लियर है यहाँ तक। अच्छा ये तो हमने यहाँ लिखा इक्वल टू, अब आप क्या है इस वैल्यू को पूरा पुट करोगे तो ये आपको दिखेगा, देखो f बाई टू जी, ये f बाई टू जी दिखा, और यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं q डिवाइड बाई पाई बाई फोर का होल स्क्वायर, ये आपका आ गया। और इसके बाद ये इक्वल का साइन है, तो इक्वल, और इसके बाद आपको क्या मिलेगा, ये मिलेगा l1 वन अपॉन डी वन की पावर 5 प्लस l2 टू अपॉन डी टू की पावर 5 प्लस l3 थ्री अपॉन डी थ्री की पावर 5, क्लियर। अब देखो यहाँ पे आप देखोगे तो f अपॉन 2g ये पूरा कैंसल टर्म्स ये वाला, और यहाँ से ये वाला टर्म्स भी कैंसल है, तो फाइनली अगर आप देखोगे तो आपको क्या दिख जाएगा, l इक्विवेलेंट मतलब l ऑफ इक्विवेलेंट लास्ट है बस यही, डिवाइड बाय d ऑफ इक्विवेलेंट की पावर आपको क्या दिखेगा, 5 इक्वल टू, ये आपको क्या दिखेगा, l1 अपॉन d1 की पावर 5 प्लस l2 अपॉन d2 की पावर 5 प्लस L3 अपॉन
d3 की पावर 5। समझ में आया? तो ये हमारे पास आया है, डेट इज द इक्विवेलेंट लेंथ, और जो इक्विवेलेंट लेंथ निकल कर आया हुआ है ये आपका क्या निकल का है, l1/d1 की पावर 5, l2/d2 की पावर 5 और l3/d3 की पावर 5। तो ये हमारे पास अलग अलग जो कंडीशन आया हुआ है, और इसी इक्वेशन को हम लोग क्या नाम बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड डुपिट्स इक्वेशन। ये जो आपको दिख रहा है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डुपिट्स इक्वेशन का नाम देते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स। इस वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, और बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करिएगा, जिससे जो भी लेटेस्ट वीडियो अभी आ रहे हैं और जो भी आपके वीडियोस अपलोड हो रहे हैं वो आप तक पहले पहुंचे। और फ्रेंड्स हमारा टेलीग्राम चैनल भी है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, तैयारी करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट।